इसको ड्रॉ करने का दो मेथड हो सकता है, या तो पहले हम बैकग्राउंड ड्रॉ कर लें और उसके बाद ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लें, या फिर पहले हम लोग ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें एंड देन उसके बाद बैकग्राउंड ड्रॉ करें। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद बैकग्राउंड ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मास्किंग टेप चिपका लेंगे जो कटआउट किए थे, तो इसको चिपका लेते हैं। एकदम सीधा से आपको भी चिपकाना है। मास्किंग टेप जो कट किए थे उसको चिपका लिए। अब यहाँ पे रेफरेंस फ़ोटो जो है उसको एकदम गौर से देखना है। तो इसमें आप देखिएगा कि क्या क्या चीज़ दिख रहा है। तो एक तो यहाँ पे हाइलाइट्स दिख रहा है, या रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, तो वाइट कलर से दिख रहा है। अगर गौर से देखिएगा तो ये पिंकिश कलर का है, तो पिंक और वाइट का कम्बिनेशन यहाँ पर देंगे। और इस रीजन में अगर देखिएगा गौर से तो लाइट शेड है, और इधर जो है डार्क शेड है। और यहाँ पे ये जो डंटी दिख रहा है इसका शैडो दिख रहा है, यहाँ पे जो होल्डर होते हैं कप का उसका शैडो दिख रहा है, तो ये भी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हल्का सा वाइट दिख रहा है, वो भी क्रिएट करना है। एंड यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, वाइट लाइन दिख रहा है। ये सारा चीज़ पहले गौर से देख लेंगे, उसके बाद ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक जैसे ही पिंक से दिया हुआ था, ये वाला जो पिंक से बना हुआ है, तो वो पिंक कलर और वाइट का कम्बिनेशन यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं काम। सपोज डैट कि इतना बड़ा होगा ये वाला पोर्शन, और इसके ऊपर भी मास्किंग टेप चिपका लेंगे। तो इसको अपने से कट कर लेंगे पहले मास्किंग टेप। ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे आज कुछ नहीं यूज करेंगे, केवल फिंगर के मदद से ब्लेंड करना है। और इसके ऊपर वाइट कलर चलाना होगा, वाइट कलर से इसको ब्लेंड करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो दिया हुआ था वो हल्का पिंक था, तो हल्का पिंक कलर अवेलेबल है नहीं पास में, तो इसको वाइट अगर चला देंगे पिंक के ऊपर तो वैसा कलर आ जाएंगे जो हम लोग चाह रहे हैं। तब तक चलाइएगा जब तक लाइट कलर ना हो जाए। ऑलमोस्ट हो चुका है, फिंगर से ही आज ब्लेंड होगा, ध्यान दीजिएगा। ये भी इसके ऊपर छोटा सा एक टेप का टुकड़ा चिपका रहे हैं। अच्छे से चिपका लेना, इसको उखड़े नहीं। अब कलरिंग का काम करेंगे। यहाँ पे जो जो शेड है वो पहले मार्क कर देते हैं, कितना जगह पे कौन कौन कलर यूज करना है। इस जगह पे हम लोग ग्रैनियम चलाएंगे, नीचे भी थोड़ा सा ग्रैनियम चलाना है, एंड इधर जो है ग्रैनियम चलेगा। इसके अलावा इस साइड भी थोड़ा सा ग्रैनियम है। अब इसके बाद डार्कर शेड की तरफ बढ़ते हैं, डार्क शेड। तो प्राइमरी रेड यहाँ पे डार्क कलर है, तो इसको चला लेते हैं जो बचा हुआ रीजन है। तो साइड में चलेगा ये प्राइमरी रेड, यहाँ पे भी प्राइमरी रेड चलेगा। टेप के साइड जब चलाएं तो यहाँ पे ध्यान दें कि टेप ना उखड़ जाए, ध्यान से एकदम धीरे धीरे यहाँ पे चलाना है। और ज़्यादा डार्क देने का अगर ज़रूरत पड़ेगा तो दे देंगे बाद में। एंड इधर भी हम लोग को ये यूज करना है प्राइमरी रेड कलर, इधर भी प्राइमरी रेड चलेगा। तो पहले भर लेते हैं, ये दो कलर का यूज कर लेते हैं, ग्रैनियम और प्राइमरी रेड। ब्लेंड करने के लिए फिंगर यूज करने वाले हैं, इसलिए कलर को एकदम अच्छे से चलाना है, गैप नहीं छोड़ना है। तो कलर से ही ब्लेंड कर दें। ये सब टेक्निक आप सीख चुके हैं, फर्स्ट या सेकेंड लेसन में ही सीख गए थे ब्लेंडिंग टेक्निक्स। केवल दो कलर यूज कर रहे हैं अभी, प्राइमरी रेड एंड द ग्रैनियम। अब यहाँ पे कुछ चीज़ ऑब्जर्व करना है आपको। देखिएगा अगर रेफरेंस फ़ोटो में, तो यहाँ पे इतना जगह वाइट छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कोई कलर नहीं यूज करेंगे इतना जगह पे। एंड इधर जो है डार्क कलर है, तो डार्क के लिए हम लोग मैरून वगैरह यूज करेंगे। तो अब डार्क कलर यूज कर रहे हैं जो कि मैरून।
और ज़्यादा अगर डार्क देना हो तो ब्लैक भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक यूज करना पड़ेगा इनफैक्ट, तो लास्ट में हम लोग करेंगे, पहले ये काम कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखिएगा जो शेडो था यहाँ पे या वाइट छोड़े थे, और ज़्यादा डार्क कलर है तो थोड़ा सा यहाँ पे मैरून भी चला लेते हैं। एंड अब बारी है ब्लेंड करने का, तो इधर भी कवर कर लेते हैं, कलरिंग का पार्ट पहले कंप्लीट हो जाए। रेड और मैरून का कम्बिनेशन इधर देंगे, प्राइमरी रेड एंड मैरून। ब्लेंडिंग कर लेते हैं स्टार्ट, फिंगर के मदद से ही ब्लेंड करना है, बस फिंगर पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना, एकदम लाइटली यहाँ पे रब करते जाना है। जहाँ पे भी लगे कि वाइट वाइट दिख रहा है या एक्स्ट्रा कलर दिख रहा है, वो सब जगह पे एकदम हल्का हल्का बस फिंगर चलाते जाना है। और यहाँ पे देखेंगे तो वाइट दिख रहा है तो इसको वाइट ही रहने दें, बस यहाँ का जो लाइन दिख रहा है उसको ऑयल पेस्टल से यहाँ पे लाइन ख़त्म करते हैं, ब्लेंड दिखेगा ऐसे। अब बारी है हाईलाइट्स देने का, और ज़्यादा डार्कर कलर यूज कर रहे हैं जो कि ब्लैक है, तो कहीं कहीं पे और डार्कर कलर यूज किया गया है, अगर फोटो में आप देखिएगा तो कहीं कहीं पे डार्क शेड दिखेगा, तो इसके लिए यूज कर रहे ब्लैक कलर। और इसको भी फिंगर से ही ब्लेंड करना है। सो इधर का काम हो चुका है, अब थोड़ा सा इधर बचा हुआ है, हाइलाइट्स वगैरह देंगे। इधर भी थोड़ा डार्क कलर है, अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ पे लाइट कलर दिख रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे रिमूव करेंगे कलर, जो कि ऑयल पेस्टल के साथ ही आते हैं ये चीज़। यहाँ पे जो कॉर्नर है इसमें थोड़ा व्हाइट कलर यूज करना होगा। ये बस शैडो है जो यहाँ पे हैंडल जो है इसी का शैडो बना हुआ है इधर। ऑलमोस्ट जो कप वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया, थोड़ा थोड़ा हाइलाइट्स कहीं कहीं पे देना है तो वो दे लेते हैं, उसके बाद रिमूव करेंगे टेप को। अब टेप को कर लेते हैं रिमूव, जो ऑब्जेक्ट बना रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है।
ये वाला जो टेप है अब इसका कोई काम नहीं है, तो इसको हटा सकते हैं, फाड़ के फेंक देंगे, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे उखाड़ना है क्योंकि पेज फटेगा, पेज साथ साथ उखड़ने लगता है, तो उखाड़ते से एकदम सावधानी बरतें। और नहीं हो तो एक एक कर कर अलग अलग सेपरेट करके उखाड़ें, बस हल्का सा प्रेशर से उठाए रखें, धीरे धीरे अपने उखड़ते जाएगा। जल्दीबाजी में है कि पेज पूरा फट जाता है। केवल हम पकड़ के होल्ड किए हुए हैं, अपने उखड़ रहा है। ज़रा सा भी हड़बड़ाना नहीं है टेप उखाड़ते समय, नहीं तो इतना देर का मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाएगा। इसमें भी अगर आप गौर से देखिएगा तो कहीं कहीं पे लगेगा कि हाइलाइट्स का आवश्यकता है, तो वो एक्रेलिक पेंट से हम लोग बनाएंगे, जो वाइट से ऊपर में एक लाइन दिख रहा है या यहाँ पे एक हाइलाइट्स दिख रहा है, नीचे में थोड़ा सा वाइट कलर दिख रहा है, तो ये सब हम लोग कवर करेंगे एक्रेलिक के मदद से। तो बाद में जब बना लेंगे तब यूज करेंगे। अब इसको हम लोग कवर कर देंगे, जो बचा हुआ रीजन था ये वाला, इससे इसको कवर कर लेते हैं। अब बारी है बैकग्राउंड ड्रॉ करने का, तो बैकग्राउंड को भी अगर गौर से देखिएगा तो एक लग रहा है कि टेबल है या किसी चीज़ पर रखा हुआ है कप, और पीछे जो है वो बाहर का पोर्शन है, आई थिंक ये विंडो जैसा कुछ दिख रहा है। तो इस पर हम लोग जो विंडो के बाहर का जो पोर्शन होगा उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद जो नीचे टेबल का रीजन है वो ड्रॉ करेंगे। टेबल है या कह सकते हैं विंडो है, तो इसको फिर से बाद में ड्रॉ करेंगे। यही चार कलर का यूज कर रहे हैं बैकग्राउंड ड्रॉ करने के लिए, ब्लैक, लाइट ऑरेंज, ब्राउन एंड डार्क ब्राउन। स्टार्ट करते हैं लाइट ऑरेंज से। इस तरह से आपको बिल्डिंग का शेप देना है, ऐसा लगे कि कोई एक बिल्डिंग है जो ब्लर्ड दिख रहा है बरसात के कारण। इधर भी हम लोग सेम कलर यूज कर रहे हैं और सेम पैटर्न में अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे कलर जो है नज़दीक नज़दीक यूज करेंगे, गैप कम छोड़ेंगे। अब दूसरा कलर यूज कर रहे हैं जो कि इससे डार्क कलर चाहिए, तो डार्क ब्राउन ले रहे हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, बस आपको चेक बनाते जाना है, स्क्वायर बनाते जाना है, बॉक्स बॉक्स छोड़ दीजिएगा, लगेगा कि बिल्डिंग है। और ब्लेंड कर देंगे फिंगर से, और भी डार्क कलर का ज़रूरत पड़ेगा तो ब्लैक भी हम लोग यूज करेंगे एंड ब्राउन भी यूज करेंगे। अब कर लेते हैं ब्राउन का यूज थोड़ा सा। और इसके ऊपर ब्लैक देंगे। नीचे का अगर गौर से देखिएगा तो ज़्यादा डार्क दिख रहा है, तो इसमें ब्लैक भी यूज करेंगे। तो पहले ब्राउन अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद ब्लैक अप्लाई करेंगे, और डार्क ब्राउन भी यूज कर लेते हैं। इसमें भरेंगे व्हाइट कलर, व्हाइट तो पहले से भी दिख रहा था लेकिन जब
ब्लेंड होगा तो फिर गायब हो जाएगा, इसलिए चला दिए। नीचे में देना है ब्लैक। बस तीन चार कलर ही रिपीट कर रहे हैं, देख सकते हैं ब्लैक है, ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, बस यही कलर रिपीट हो रहा है। नाउ टाइम टू ब्लेंड। ब्लेंड करते जाइएगा, जहाँ जहाँ पे लगेगा कि रफ है वहाँ पे ब्लेंड कर देना है। तो ब्लेंड करने के लिए बस इस तरह से आप फिंगर से ब्लेंड करते जाइए। जैसा कि यहाँ पे बोले थे वाइट वाइट होगा, तो कहीं कहीं पे बॉक्स दे देना है वाइट जैसा, बनाते जाइए। देखिए एक्चुअली हम जो ड्रॉ कर रहे हैं बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड ब्लर्ड है, तो ब्लर्ड में कोई भी चीज़ एकदम शार्प दिखेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग ऐसे बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं। बैकग्राउंड जो है वो बन चुका है। अब यहाँ पे एक गौर से अगर देखिएगा तो एक स्टेम दिख रहा है जो भी भाप निकल रहा है, तो ये भी बनाएंगे। तो इसको ड्रॉ करने के लिए वाइट कलर यूज करेंगे और एक एक्रेलिक पेंट यूज करेंगे, वाइट एक्रेलिक। और इसके पीछे में देखिएगा तो वाटर ड्रॉप्स वगैरह हैं, तो वो भी बना लेंगे। तो पहले हम ये स्टेम वाला काम कर लेते हैं, देन उसके बाद वाटर ड्रॉप्स बनाएंगे। वाइट एक्रेलिक की मदद से मार्क दे दे कहाँ कहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे, किस तरह से ड्रॉ करना है। ये कुछ पैटर्न था जो हमने मार्क कर दिया। अब यूज करेंगे एक्रेलिक पेंट, क्योंकि ऑयल पेस्टल के ऊपर ऑयल पेस्टल आसानी से नहीं चलता। गौर से अगर रेफरेंस फ़ोटो पे देखिएगा तो यहाँ पे एक वाइट लाइन दिख रहा है कप के ऊपर, तो वो भी लाइन क्रिएट करेंगे। वो कप का ही पार्ट है जो कि वाइट है, तो यहाँ पे एकदम पतला सा लाइन देना है आपको वाइट। अब ड्रॉ करने वाले हैं वाटर ड्रॉप्स, जिसके लिए हम एक नया टेक्निक यूज कर रहे हैं। जो ब्रश है उसका पीछे का जो इंड है उसका यूज करेंगे। ये थोड़ा सा मोटा है, ज़्यादा शार्प नहीं है, तो इस पर हम एक्रेलिक पेंट लगा लिए हल्का सा, और एकदम हल्का सा होना चाहिए। और इसके बाद इसको इस तरह से कर देंगे, पूरे में आपको कवर नहीं करना है, बस जो एक्रेलिक जो होगा वो साइड साइड में लग जाए, पूरे रीजन में ये ना लगे। इस तरह से बनाते जाना है। जहाँ पे लाइट कलर होगा वहाँ पे पेंसिल का यूज करें, और जहाँ पे डार्क कलर होगा वहाँ पे एक्रेलिक का यूज करें वाटर ड्रॉप्स बनाने के लिए।
एक्चुअली वाटर ड्रॉप्स ड्रॉ करना हम लोग ऐसे भी पहले कवर कर चुके हैं, प्रीवियस लेसन जो था उसमें सीख चुके हैं कि कैसे वाटर ड्रॉप्स ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे बस मेन टॉपिक हम लोग का था कि मास्किंग टेप को कैसे यूज करें रेफरेंस फ़ोटो देखते हुए। मास्किंग टेप को कट किए थे ऑब्जेक्ट के शेप में, देन उसको यूज किए। जहाँ पे लाइट कलर वहाँ पे पेंसिल का यूज कर रहे हैं। अब हम यूज़ कर रहे हैं पेंसिल, और पेंसिल का जो शार्प पॉइंट है उससे थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, क्योंकि छोटा छोटा जो ड्रॉपलेट्स है वो बना रहे हैं। बैकग्राउंड वाला जो काम था वो कंप्लीट है। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे नीचे का जो रीजन, जो टेबल रखा हुआ है, टेबल का ही है या फिर विंडो पे रखा हुआ है। तो रिमूव कर लेते हैं टेप को। रेनी सीजन में टेप जो है पेज उखाड़ देता है, तो एकदम ध्यान से उखाड़े। अभी जो हम ड्राइंग बना रहे हैं ये बरसात का टाइम है, तो ह्यूमिडिटी के कारण जो है पेज डैमेज हो सकता है। ये वाला टेप अभी रिमूव नहीं करना है, इसको लास्ट में रिमूव करेंगे। अभी यहाँ पे एक और मास्किंग टेप चिपका लेते हैं, देन उसके बाद नीचे का जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे। इसको ड्रॉ करने के लिए लाइटर शेड चाहिए, तो इसके लिए ब्राउन यूज करेंगे और वाइट, एंड कहीं कहीं पर अगर ज़रूरत पड़ा तो फ्लैश टिंट यूज कर लेंगे। तो यही तीन कलर के मदद से ऐसा क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से कलरिंग कर लेना है, वाइट से किए हैं ताकि वहाँ पे कोई दूसरा कलर का ज़्यादा इंटेंसिटी ना दिखे। अब करेंगे फ्लैश टिंट। इसके बाद ब्राउन यूज कर रहे हैं कहीं कहीं पे। और इसको फिंगर से ही ब्लेंड कर लें, वुडन टेक्सचर देने का कोशिश करना है। इस रीजन में वाइट दे रहे हैं क्योंकि रेफरेंस फोटो में भी लाइट शेड है यहाँ पे। अब बारी है शैडो बनाने का, जो कप रखा हुआ है उसका शैडो बनाएंगे। तो इसके लिए डार्क कलर यूज कर रहे हैं, जो कि ब्राउन हमने अप्लाई किया, एंड इसके ऊपर ब्लैक यूज करेंगे। सो फाइनली जो हमारा ड्राइंग है रेडी हो चुका है, तो टेप को कर लेते हैं रिमूव। इसको बड़ा सावधानी से रिमूव करना है, धीरे धीरे रिमूव करना है, क्योंकि मेन ऑब्जेक्ट हमारा यही था। और थोड़ा सा अपडेट का जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कलर जो यहाँ पे नहीं चढ़ पाया था, तो पेंसिल की मदद से इसको करेक्ट कर लेते हैं।
जहाँ पे भी हाइलाइट्स देने का ज़रूरत है तो वहाँ पे एक्रेलिक पेंट यूज करेंगे। फाइनली हमारा ड्राइंग तैयार है, तो टेप को कर लेते हैं रिमूव। ये जो ड्राइंग हम लोग कंप्लीट किए अभी, इसका जो रेफरेंस फ़ोटो है वो हमने पिंटरेस्ट से लिया था। पिंटरेस्ट पे बहुत सारे रेफरेंस फ़ोटो मिल जाते हैं, वहाँ से आप भी ट्राई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपने सीखा किस तरह से मास्किंग टेप के यूज करते हुए रेफरेंस फ़ोटो से देखकर कोई भी ड्राइंग कैसे बनाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।